आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जैपनीज स्किन वाइटनिंग क्रीम को आप कैसे घर पे बना सकते हैं, वो भी बिना पैसे वेस्ट किए, जो कि दावे करती है कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तो आपको वो जो मार्केट वाली जैपनीज स्किन वाइटनिंग क्रीम है उसे परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो भले ही उसे आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, बट बाद में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल होना स्टार्ट हो सकती है एंड आपकी स्किन में कई सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट वगैरह। तो जो मैं आज आपके साथ DIY क्रीम शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनी हुई है, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है एंड वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने वाली है। एंड आपको इस DIY क्रीम का फर्स्ट एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड मैं आपको इस वीडियो में लाइव रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस DIY क्रीम को 1 वीक तक अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइटन हो जाएगी। इस DIY क्रीम को आप अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसे कैसे बनाना है उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस DIY क्रीम के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है राइस। राइस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें होता है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो जापानीज लोग होते हैं ना, ये राइस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर वो चाहे खाने के लिए हो या फिर स्किन के लिए हो या फिर हेयर के लिए हो। तो इसी से हम बनाने वाले हैं अपनी DIY क्रीम एंड राइस तो सभी के घर में ईजिली मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले लेना है राइस और उसमें ऐड करना है वाटर, और इस वाटर की हेल्प से आपको सबसे पहले राइस को वॉश कर लेना है और उसकी इससे जितनी भी इसमें डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। राइस को अच्छे से वॉश करने के बाद आपको एक पैन में राइस को रख लेना है और उसमें आपको ऐड कर लेना है 1 बड़ा ग्लास पानी यानी कि वाटर, और इनमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपको गैस के फ्लेम को ऑन कर देना है और आपको राइस को लो फ्लेम पे पकने देना है और तब तक पकाना है जब तक ये हाफ़ कुक्ड नहीं हो जाते। आपको पूरी तरीके से इसे नहीं पकाना है, आपको इसे आधा ही पकाना है। राइस में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और मैंने बताया था इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये हमारी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जिससे हमारी स्किन में जल्दी फाइन लाइंस नहीं होती हैं, रिंकल्स नहीं होती हैं और ना ही झुर्रियाँ पड़ती हैं, और ये हमारी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है। अब ये जो राइस है वो हाफ कुक्ड हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट और वो है मिल्क यानी कि दूध। आपको 1 कप के अराउंड मिल्क ऐड करना है, आपको रॉ मिल्क ऐड करना है यानी कि कच्चा दूध आपको इसमें ऐड कर देना है। तो मिल्क हमने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, और ये हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सन बर्न है, सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो ये उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। आपको इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये जो राइस हैं वो अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते। ये जो हमारे राइस हैं वो अच्छे से कुक्ड हो गए हैं, अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। एंड गाइस, अगर आप इसमें मिल्क नहीं ऐड कर सकते हैं तो आप इसमें पानी ही ऐड कर दीजिएगा, बाद में आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लीजिएगा। राइस को ठंडा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे मिक्सचर जार में ग्राइंड कर लेना है और एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी कर लेना है। एंड गाइस, हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है जो कि एकदम क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट जो कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन E की कैप्सूल, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2nd इंग्रेडिएंट और वो है आलमंड ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का आलमंड ऑयल ले सकते हैं यानी कि बादाम का तेल। आपको इसमें 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल, आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल को ऐड कर लेना है। इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करेंगे और साथ ही हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस क्रीम को अपने पूरे हाथ पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे लाइव रिजल्ट। तो इसे मसाज करते हुए हम अपने पूरे हाथ पे अप्लाई कर लेंगे। आपको भी इस क्रीम को मसाज करते हुए ही अप्लाई करना है। आपको इसे अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि आपकी स्किन में जो भी डर्ट वगैरह हो वो रिमूव हो जाए।
तो आपको इस क्रीम को मसाज करते हुए अप्लाई करना है, इसलिए ताकि अगर आप इसे मसाज करते हुए अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी और आपकी स्किन के अंदर जब ये क्रीम जाएगी तो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा अच्छा बना देगी। तो आप इसे मसाज करते हुए अप्लाई करिए, आपको नॉर्मल पैक के तरीके इसे अप्लाई नहीं करना है। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही इसे छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपको इसे मसाज करते हुए रिमूव करना है, जिससे आपकी स्किन में जितनी भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्राइटन हो जाएगी। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है वार्म वाटर। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर से भी इसे वॉश कर सकते हैं एंड वार्म वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। और वॉश करने के बाद आपको इसमें मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें मैंने कई सारे ऑयल्स वगैरह ऐड किया था, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देगा। और अब मैं इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आपको इसे उसी तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है मसाज करते हुए। इस क्रीम को अप्लाई करने के पहले आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश जरूर कर लेना है, जिससे आपकी स्किन में जो भी डर्ट वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी। फेस के साथ साथ आपको अपनी नेक पे भी इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको उसी तरीके से इसे 20 से 25 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस से इसे रिमूव कर लेना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने पूरे फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। एंड देखिए गाइस, आपको यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड का कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा इन कंपेयर टू राइट हैंड। तो ये इस रेमेडी ने फर्स्ट एप्लीकेशन में किया है, एंड आप अच्छे से देख सकते हैं गाइस, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कितना ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग लग रहा है, जिसमें मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया था। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।